दोस्तों, जब भी आप टीवी देखते होंगे तो आपके सामने यह नंबर जरूर शो होता होगा। तो आपके मन में यह चीज़ ज़रूर आती होगी कि इस नंबर का मतलब क्या होता है, यह नंबर क्यों शो होता है। तो अगर आप आज इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो यह चीज़ आपके समझ में आ जाएगा। यह नंबर सिर्फ़ आपके सेट टॉप बॉक्स के लिए ही जनरेट होता है। अगर आप एक समय पर दूसरा टीवी देखेंगे तो वहाँ पर आपको दूसरा नंबर देखने के लिए मिलेगा। टीवी पर दिख रहा जो भी प्रोग्राम होता है वह उस चैनल का कॉपीराइट होता है, मतलब उसका जो अधिकार होता है वो उसी चैनल के पास होता है। कुछ लोग टीवी पर चल रहे पॉपुलर शो जैसे कि KBC लाइव क्रिकेट मैच को टीवी से अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं या यूट्यूब से लाइव उस प्रोग्राम को चलाकर मोनेटाइज कर देते हैं और पैसे कमाते हैं। इसको रोकने के लिए ही यह रैंडम नंबर आपकी टीवी पर शो होता है। यह नंबर एक शो में या एक प्रोग्राम में एक या दो बार ही रैंडमली शो होता है। अगर कोई ऐसा करता है तो यह नंबर भी उसकी बगैर जानकारी के रिकॉर्ड हो जाता है। यह नंबर यूनिक होता है जिससे आप तक पहुंचा जा सकता है, जिससे उस व्यक्ति को सज़ा भी हो सकती है अगर जो चैनल है वह चाहे, और सेट टॉप बॉक्स भी बंद हो सकता है। इससे यह भी पता लगाया जाता है कि एक समय पर कितने लोग उस चैनल को देख रहे होते हैं। इसी कारण से गवर्नमेंट सेट टॉप बॉक्स लगाने पर ज़्यादा जोर दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि यह रैंडम नंबर आपके चैनल पर या आपकी टीवी पर क्यों शो होता है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान पाएँ और वह कभी भी इस प्रकार की कोई गलती ना करें जिससे वो किसी समस्या में फंस जाएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।